विश्व हिंदू महासंघ की बैठक मंगलवार को रीति चौक स्थित कालीबाड़ी मंदिर पर संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता महासंघ के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए राधाकांत वर्मा ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले में आए श्रद्धालुओं के सहयोग में कैंप लगाकर उनके सामानों की सुरक्षा व मेले परिसर में खोए हुए बच्चों को उनके परिजनों तक पहुँचाने का काम कार्यकर्ताओं द्वारा कार्य किया जाएगा। बैठक के संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा ने कहा। विश्व हिंदू महासंघ की एक आवश्यक बैठक कालीबाड़ी में रखी गई है। इसका आयोजन हम लोग करते चले आ रहे हैं। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो वर्तमान समय में नाथ मंदिर के पूरब गेट पर एक विशाल कैंप का आयोजन किया जाएगा। उस कैंप में दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए ज्ञापन हम लोग मिलाए थे। इस बार उससे भी बड़ा कैंप हम लगा करके हजारों से ऊपर के अनेक कार्यकर्ता पदाधिकारी उसमें पूरा योगदान करेंगे। गोरखनाथ मंदिर पर खिचड़ी के मेले के अवसर पर विगत 30 साल से दर्शनार्थियों के सहयोग के लिए चरण पादुका कैंप, सामान रखने की व्यवस्था, खोए हुए बच्चों को उनसे परिजनों से मिलाने की व्यवस्था हम लोग करते चले आए हैं। पूरब गेट पर हम लोग लगाएंगे कैंप और इसमें अब की 2000 से ज़्यादा बच्चों की मिलाने की व्यवस्था हम लोग किए हैं और बृहद कैंप का यहाँ पर हम लोग आयोजन किए हैं। राधाकांत वर्मा, जिला प्रभारी विश्व हिंदू महासंघ गोरखपुर।